ये चेक करो भाई साहब, इस साइड इसको घुमाओ तब जाके बाइक रेस पकड़ती है, इस साइड घुमाओ बाइक। सबसे ज़रूरी बात, खुद ही इसकी डॉक्टरी करने वाले हैं, अल्लाह खैर ही करे। ओ भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो भाई कर लो, रिक्वेस्ट है छोटी सी। मैं जा रहा हूँ ये सब्ज़ी देने अपने मामू के घर। अभी जी चलते हैं और जाके देते हैं सब्ज़ी उनकी। अभी आज हल्के हल्के बादल हैं आसमान पे, हल्की हल्की हवा भी स्टार्ट है। सब्ज़ियाँ जी दे दी हैं मामू के घर। वापसी पे जी ये पंप लेके जाना है। ये पंप क्यों लेके जाना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले घर जाके इसकी डॉक्टरी करनी पड़ेगी क्योंकि ये है दो पार्ट्स में। पहले जी भाई साहब पंप ठीक कर लेते हैं। लो भाई फाइनली पंप ठीक हो चुका है। काफी लोग जी पंप लाने का मकसद समझ गए होंगे। ये बाइक है जी वाजिद भाई की, इसका जो अगला टायर है या फिर उसमें हवा कम है या वो पंचर है। फिलहाल अभी इसके अंदर पहले हवा भर के देखते हैं कि हवा कम है या टायर पंचर है। फाइनली जी भाई हवा भर ली है। हवा कम थी, शुक्र है वीज़ा बाज का, वरना वो दूसरे विलेज जाना पड़ता पंचर लगवाने। गुड हो गया जी। अभी मैं गया हुआ था ट्यूशन, ट्यूशन से मैं हो चुका हूँ फारिग। वापसी पे जी ये चावलों का पैक लाना था। अभी मैं इधर रुका इस वजह से हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मसला हो गया है जी बाइक के साथ। मसला बना है जी बाइक की रेस का। रेस का क्या मसला बना है? बाइक को रेस देने के लिए ये जो चीज़ होती है इसको इस साइड घुमाया जाता है तब जाके बाइक रेस पकड़ती है, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। इस चीज़ को इस साइड घुमाओ तब जाके ये बाइक रेस पकड़ती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो भाई साहब, इस साइड इसको घुमाओ तब जाके बाइक रेस पकड़ती है, इस साइड घुमाओ बाइक बंद। तो जी इसीलिए मैंने फैज़ान भाई को भी भुला लिया है। फैज़ान भाई ये कुछ सामान लेके आए हैं जिसके अंदर मतलब पेचकस वगैरह प्लास वगैरह, जिसके साथ हम इसका ये जो नेट नहीं है ये खोलेंगे। सबसे ज़रूरी बात, खुद ही इसकी डॉक्टरी करने वाले हैं। या तो फिर यह जो उल्टी साइड रेस पकड़ रही है वो भी नहीं पकड़ेगी या फिर बिल्कुल करेक्ट ठीक हो जाएगी। अभी डॉक्टरी करते हैं इसकी। चलो भाई अभी आपके सामने पेशे खिदमत है हमाद हुसैन मैकेनिक, हमाद हुसैन ब्लॉग नहीं। अभी करते हैं जी इसकी डॉक्टरी। ये पेचकस निकाल लिया है, अब खोलूंगा मैं ये नट और देखूंगा कि भाई अंदर क्या मसला है। भाई साहब मुझे बाइक के बारे में एक चीज़ का नहीं पता, सिर्फ चला लेता हूँ वो बहुत है। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ भाई साहब खोल तो दिया मैंने जोश जोश में, अब तो पता ही नहीं है कि क्या करना है। इधर लगाओ, ये देखो भाई साहब क्या करना होगा यार। क्या बोला था मैंने शुरू में, क्या बोला था मैंने शुरू में, या तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी या तो जो चल रही है ना उससे भी जाएंगे, और वही हुआ। लो भाई साहब बिल्कुल भी किसी चीज़ की नहीं समझ लग रही। हाँ भाई क्या है? ओ थोड़ा सॉरी, पिछला क्लिप देख के आपने समझा कि भाई गई बाइक तो ख़राब हो गई, लेकिन आपका भाई पूरा का पूरा इंजीनियर मैकेनिक पता नहीं क्या ना क्या है। 10-15 मिनट के बाद भाई साहब एक एक चीज़ समझ के कर ली ठीक। जब शुरू में ठीक हुई वो खुद ब खुद ठीक हुई, लेकिन मैंने कहा यार
क्यों ठीक हुई, क्या खराबी थी इसके बीच, वो मैंने ढूंढी 10-15 मिनट लगा के। अब आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। टेक जी ये हुई थी, ये हुआ असल में ये वाला पार्ट जो नहीं है, ये इस तरह होके यहाँ चला गया था, यहाँ पूरा घूम गया था। तब जो है ना बाइक इसी वजह से रेस इस साइड ले रही थी, लेकिन जब मैंने इसको उस साइड से इस साइड यहाँ पे लाया ना, ये चीज ये अब हो गई, ये मसला था भाई साहब। और लेट भी होने वाले हैं, जोड़ते हैं और चलते हैं घर। रहा जी ऊपर वाला सामान, अब भी भाई साहब क्लियर नहीं है कि ठीक हुई है। लो भाई फाइनली ठीक हो गई है। अब बारी है बाइक को स्टार्ट करके देखने की कि रेस बाइक उसी साइड पकड़ रही है या फिर उल्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक तो हुई है भाई साहब, रेस उसी साइड पकड़ रही है जिस साइड बाइक को रेस पकड़नी चाहिए, लेकिन रेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, रेस ही तेज़ हो गई है, दोबारा खोलना पड़ेगा। यार ये तो न्यू मामला हो गया यार। भाई साहब जो मेन बीमारी थी वो तो मैंने पकड़ी, लेकिन रेस तेज हो गई है यार। हो भाई ये अभी जी, मतलब जो तार फिट थी ना, मेरा दिल कर रहा है वो भी फिट ना हो, या तो इधर से बाइक अब घर बिल्कुल ठीक जाएगी या तो फिर जाएगी भी नहीं। हाँ भाई आपका भाई फुल मैकेनिक हो गया भाई साहब, फख्र हो रहा है खुद पे। फाइनली जी ठीक कर लिया। मसला ये हुआ था कि जब मैंने ऊपर से रेस खोली थी ना, तो नीचे से कार्बोरेटर होता है ना, ये वाली जगह नहीं होती जिधर आकर रेस की केबल फिट होती है, उस जगह से मैंने रेस को तेज़ कर दिया था शुरू में, लेकिन अब ठीक कर लिया फाइनली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई साहब, ये फाइनली जी बाइक अच्छी तरह वर्क कर रही है, रेस बिल्कुल ठीक हो गई है इसकी। अभी चुप करके चलते हैं, बाइक को भी पहुंचाते हैं घर, इसको भी पहुंचाते हैं घर। बहुत बहुत शुक्रिया फिजान भाई आपका, जो आप आए ये सामान लेके। सच्ची बात है, अगर ये नहीं आते ना तो बाइक मतलब नहीं ठीक होनी थी। चलो आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई, एंड ओके थैंक यू। फाइनली जी भाई साहब अपने घर पहुंच गए हैं। ये बाइक वगैरह बंदे को जलील भी बहुत करती हैं और बंदे के काम भी बहुत आती हैं। आज देखा होगा कि भाई साहब इतना इसने जलील किया है ना, लेकिन फाइनली आपका भाई मैकेनिक है तो भाई ठीक कर ली। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया लाइक सब्सक्राइब, क्या पसंद आया होगा, खवारी थी फिर भी पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट मस्ट है। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जो कि आएगा कल इंशाल्लाह। बाय बाय।